लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है ये, मिटती मानवता की आशा है ये, सृष्टि की शक्ति का वरदान है ये, अवतार नहीं है ये इंसान है, शक्तिमान। बदल सकती है, फूलों में ढल सकती है, शोलों से जल सकती है, होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान, 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 शक्तिमान। अथ कान्तं प्रवक्ष्यामि कुण्डली चेतनादिकं सहस्रनाम सकलं कुण्डलिन्या प्रियं सुखं अष्टोत्तरं महापुण्यं साक्षात् सिद्धिदायकम्। तुम्हारी पीठ पर रोशनी से क्या दिखाई दे रही है? ये मेरे सप्त चक्र हैं गीता, इन्हें कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। कुंडलिनी शक्ति, ये क्या होता है शक्तिमान? हर इंसान के रीढ़ की हड्डी में सोई होती है ये कुंडलिनी शक्ति। मैंने इसे जागृत किया है, परंतु इसका श्रेय मेरे गुरुओं को जाता है, जिनके मार्गदर्शन में योग साधना द्वारा मैं इसे जागृत कर पाया हूँ। तो क्या कुंडलिनी जागने के बाद कोई भी व्यक्ति तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो सकता है? हाँ, कुंडलिनी जागने के बाद कोई भी व्यक्ति असीमित शक्तियों का स्वामी बन जाता है। शक्तिमान, क्या तुम मुझे अपनी सारी शक्तियों के बारे में बताओगे? देखती रहो, तुम्हें स्वयं मालूम पड़ जाएगा। महाभक्तो भवेदिह एहि केन भविन्नाथ जीवन्मुक्तो महाबली। अरे ये क्या शक्तिमान, तुम तो कई रूपों में बढ़ गए। हाँ, ये मेरे पंच महाभूत रूप हैं। हमारे शरीर का निर्माण इन्हीं पंच महाभूतों वायु अग्नि जल पृथ्वी आकाश के मिलने से हुआ है। मैंने योग द्वारा इन पंच महाभूतों से अलग अलग शक्तियां अर्जित की हैं। पंच महाभूत? ये मेरे पंच महाभूतों के शरीर थे। मगर शक्तिमान, तुम अंतरिक्ष में कैसे खड़े हो? ये मेरी कुंडलिनी शक्तियों में से एक शक्ति है गीता। मैं आसमान पानी दलदल आग कहीं भी खड़ा हो सकता हूँ, चल सकता हूँ, हवा में उड़ सकता हूँ। तुम यही सोच रही हो ना गीता कि मैं कितनी दूर तक देख सकता हूँ और मेरी गति क्या है? हाँ हाँ, तो क्या कुंडलिनी शक्ति से तुम दूसरों के मन की बात भी जान सकते हो? हाँ, बल्कि मैं हर प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षियों की भाषा भी समझ सकता हूँ। और तुम्हारी नजर शक्तिमान, मेरा मतलब है तुम कितनी दूर तक देख सकते हो? जहाँ तक मैं चाहूँ, जितनी दूर भी मैं चाहूँ मैं देख सकता हूँ, दीवार के पार या जमीन के अंदर भी। मेरी गति मेरे मन की गति जितनी है। मन की गति मतलब? मतलब दुनिया के किसी भी हिस्से की कल्पना करते ही मैं पलक झपकते ही वहां पहुंच सकता हूँ।
अब दूसरा सवाल बाद में, पहले मुझे अपने क्लोन को रोकना होगा। बस बहुत हो चुका तुम्हारा यह तबाही का खेल। ओह तो तुम डॉक्टर जयकाल की कैसे छुटकर आ गए। सच्चाई किसी की गुलाम नहीं हो सकती, तुम्हें यह सब रोकना होगा। तुम्हारे रोके अब कुछ नहीं रुकेगा। पाप की आंधी अब इस दुनिया से सच्चाई की लौ को बुझा कर रहेगी। आंधी चाहे कितनी ही भीषण क्यों ना हो, सच की लौ को वो कभी नहीं बुझा सकती। शक्तिमान ने अपने क्लोन को अंतरिक्ष में फेंक दिया। अच्छा? हाँ भाव साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हे भगवान, कितना नया एहसास है ये मेरे लिए। मैंने शक्तिमान के वो सारे रूप देख लिए जिसे इस दुनिया के किसी भी इंसान ने नहीं देखे होंगे। मैं बताऊंगी दुनिया को, तबाही फैलाने वाला शक्तिमान शक्तिमान नहीं, उसका क्लोन था।
शक्तिमान ने तो दुनिया को तबाही से बचाया है। शक्तिमान, दीदी शक्तिमान आ गया। शक्तिमान तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। शक्तिमान क्या तुमने अपने क्लोन को अंतरिक्ष में फेंक दिया? हाँ। शक्तिमान, मेरे बारे में तो अब तुम्हारी जिज्ञासा पूरी हो चुकी होगी। हाँ, नहीं, कुछ सवाल बाकी है। क्या? तुम्हारे गुरुओं ने साधना द्वारा तुम्हें इतना शक्तिशाली बनाया, तो वो खुद तुमसे ज्यादा शक्तिशाली होंगे, है ना? निसंदेह, वो शक्तियों के सागर है तो मैं उस सागर की एक बूंद मात्र। तो फिर इस दुनिया से पाप हटाने के लिए उन्होंने तुम्हें ही क्यों भेजा? वो खुद क्यों नहीं आए? और फिर उन्होंने तुम्हें शक्तिमान क्यों बनाया? तुम खुद ही कहते हो कि तुम एक आम मानव हो। बोलो शक्तिमान, तुम चुप क्यों हो गए? उन्होंने तुम्हें ही क्यों भेजा? इस बात का जवाब शक्तिमान के पास भी नहीं है। शक्तिमान के पास भी नहीं है। क्या? हाँ, मुझे खुद तलाश है इस जवाब की। मेरे गुरु ने कहा है कि वक्त आने पर मुझे खुद ब खुद इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन शक्तिमान, इस सवाल के जवाब के बिना मेरा इंटरव्यू अधूरा रहेगा। चलता हूं। शक्तिमान, देवी जी, तुम कहां थे अब तक? जंगल में थे, जंगल में। क्या, जंगल में? हाँ, जंगल में जड़ी बूटियां बीन रहे थे। वो गुब्बारा राक्षस चला गया। कौन गुब्बारा राक्षस? वो गुब्बारा राक्षस जो गुब्बारे की तरफ बड़ा होता गया। हम वहाँ पर जंगल में से देख रहे थे, हमने देखा कि वो आप लोगों के बीच में आ गया। हम तो उसे देखते ही मूर्छित हो गए। अभी होश में आए तो हम भागे चले आए। कहाँ है वो? बोलिए, हम उसे अभी ठीक कर देते। कहाँ है वो? वो चला गया। चला गया? वो हमसे युद्ध किए बिना चला गया? अर्थात वो हमसे पराजय स्वीकार करके चला गया। और अब तुम भी चलने की तैयारी करो, क्योंकि मुझे शक्तिमान का इंटरव्यू मिल गया है। इंटरव्यू मिल गया हमारे बिना? कुछ याद आया गीता? की बातें सुनते हुए मैंने सोचने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। देखो, जब तुम शक्तिमान, तुम यहाँ, तुम ठीक हो ना गीता? चिंता करने की कोई बात नहीं, गीता बिल्कुल ठीक है। तुम्हें पता है, वो शैतान तो मुझे मार ही डालता, इन्होंने आकर मुझे वक्त पर बचा लिया। थैंक यू शक्तिमान, ऐन मौके पर आकर तुमने गीता की जान बचाई। लोगों को मुसीबतों से बचाना तो शक्तिमान का कर्तव्य है मेयर साहब। सो तो है। शक्तिमान, आप मुझे कुछ बताने वाले थे ना? हाँ, देखो, लगता है शक्तिमान अपनी बातों से गीता की याददाश्त वापस लाना चाहता है। अगर ऐसा हो गया तो मेरे लिए नई मुसीबत बन जाएगी। मुझे शक्तिमान को यहाँ से भगाना होगा। शक्तिमान, डॉक्टर ने गीता को आराम करने का मशवरा दिया, लोगों से मिलने जुलने और बात करने से भी मना किया। ज्यादा बातें करने से हो सकता है कि इनका दिमाग फिर से डिस्टर्ब हो जाए। बाकी आप समझते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ। गीता, मैं चलता हूँ। मेरे साथ गीता का ख्याल रखना। जी, थैंक यू शक्तिमान। गीता का ख्याल तो मैं उम्र भर रखने वाला हूं, और इसे मेरी पत्नी बनने से तुम भी नहीं रोक सकते शक्तिमान। तो आज तक मुझसे ये बात छुपाता रहा तू? बात क्या है बंधु, कहीं माँ ने चोरी पकड़ तो नहीं ली? छुपाता रहा? कौन सी बात छुपाता रहा माँ? खामोश, ऊपर से पूछता है कौन सी बात छुपाता रहा? शत प्रतिशत माँ को मेरे दोनों रूपों के रहस्य का पता चल गया है। जवाब क्यों नहीं देता? अपनी माँ से ये बात छुपाई तुमने?
तुमसे मैंने ये उम्मीद नहीं की थी गंगाधर। मैंने तो सोचा था मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, सब कुछ। और अपने बारे में इतनी बड़ी बात तूने छुपाई, ये मैंने सोचा ही नहीं था। अब वो बद वो सब क्या चल रहा है तेरा? क्या अब भी मुझे ये सब नहीं दिखाएगा तू? क्या किया जाए बंधु, माँ तो शक्तिमान बनकर दिखाने को कह रही है। इतनी छोटी सी बात के लिए क्या सोचता है तू? जादू जानता है ना तू? जादू? हाँ सब पता चल गया है मुझे। तू क्या समझता था मैं नहीं जान पाऊंगी, लेकिन मुझे सब पता चल गया है। जादू जानता है ना तू? तूने सब्जी जादू से काटी थी ना फटाफट। अरे बोलता क्यों नहीं है, जादू जानता है ना तू? अरे पहले क्यों नहीं बताया? हालांकि शक मुझे पहले भी हुआ था, एक बार तूने बर्तन भी फटाफट धोए थे ना जादू से। वो जादू समझ सकती है तू उसे। बाल बाल बचे बंधु। सर सब काम हो गया। ओके मियाँ साहब, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है। गुड, अगर पुलिस आए तो उनसे मेरी बात करा देना। गीता जी को ज्यादा डिस्टर्ब मत होने देना। ओके ओके एक्सक्यूज मी। इससे पहले कि जयकौल फिर से कोई नई चाल चले, मुझे इससे शादी कर लेनी चाहिए, इसीलिए डायरी की मां अभी खोल देता हूं। अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मेरी डायरी आपके पास? सच सच बताइए गीता जी, आपने कुछ पढ़ा तो नहीं ना? पढ़ा। क्या कमाल है, इसमें सब कुछ मेरे लिए लिखा है और आप इसे मुझे से छुपा रहे थे? नहीं मेरा मतलब है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। आपको बुरा तो नहीं लगा? आपको क्या लगता है मुझे कैसे लगा होगा? वो मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको बुरा लगा हो तो। इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है, प्रेम करना कोई बुरी बात थोड़ी है, किसी को प्यार करने में कोई दोष नहीं। इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप भी? अगर मेरी याददाश्त नहीं गई होती तो शायद मैं फौरन हाँ कह देती, लेकिन अभी। अभी क्या गीता जी, याददाश्त का रिश्ता तो दिमाग से है और चाहत का रिश्ता दिल से। देखिए मुझे मेरी पिछली जिंदगी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप मुझे चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि मेरी याददाश्त जाने से पहले मैं किसी और को चाहती हूँ, ऐसा भी हो सकता है ना? हाँ हो सकता नहीं, ऐसा हुआ था। तुम जिसको चाहती थी वो तुम्हें नहीं चाहता। क्या? हाँ गीता, तुम तो उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि उससे सगाई करने के लिए उसके घर तक पहुंच गई थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, उसे सबके सामने बड़ी बेरुखी से तुम्हें ठुकरा दिया और उस सदमे के बाद ही तुम मुझे सड़क के किनारे बेहोश पड़े मिले थे। लेकिन वो है कौन? उसका नाम है गंगाधर। गंगाधर? वैसे प्रेम कहानियों में अक्सर ऐसा ही होता है गीता जी, ज्यादातर लोग एक तरफा प्रेम करते हैं। आपने गंगाधर को चाहा, उसने आपको ठुकरा दिया। मैंने आपको चाहा,
आपने मुझे ठुकरा दिया। लेकिन मैंने आपको ठुकराया नहीं है। अपना भी कहा नहीं है आप। खैर अब मैं चलूंगा, मेरे ख्याल से आपको आराम की जरूरत है। बोलो ब्रायन। मैं आपसे मिलना चाहता हूं साहब। शक्तिमान।